सैनिक निदेशालय हमीरपुर में दूसरे दिन पूर्व सैनिक की जेईयू की पदों को लेकर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। इस भर्ती प्रक्रिया में चंबा, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा तथा हमीरपुर के पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया। जेईयू के 60 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी। इस भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू में भाग लेने आए पूर्व सैनिकों को अपनी किसी प्रकार की समस्या के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में पूर्व सैनिक वर्ग के 15% कोटे पर भर्ती की जानी है। भर्ती प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू की गई। सैनिक निदेशालय प्रांगण में एकत्रित हुए जेईओ के पदों के लिए पूर्व सैनिकों को टाइपिंग टेस्ट पास करना अनिवार्य है। इस संदर्भ में पूर्व सैनिक निदेशालय के निदेशक ब्रिगेडियर एस के वर्मा ने बताया कि पूर्व सैनिक वर्ग के जेईओ के पदों की भर्ती प्रक्रिया 27 से 30 नवंबर तक जारी रहेगी। इस भर्ती प्रक्रिया में 500 से करीब पूर्व सैनिकों को कॉल लेटर जारी किए गए हैं। यह इंटरव्यू प्रक्रिया प्रतिदिन जारी रहेगी। इस भर्ती के दौरान पूर्व सैनिकों के दस्तावेज प्रमाण पत्रों की जाँच पड़ताल की जाएगी। दिसम्बर माह में दूसरे सप्ताह क्लर्क, टाइपिस्ट तथा स्टेनोग्राफर के पदों पर टाइपिंग टेस्ट लिए जाएंगे। क्लर्क के 40 पदों, टाइपिंग क्लर्क के 20 पद तथा जेईयू के 60 पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। प्रदेश सरकार के सभी विभागों में 15% रिजर्वेशन के तहत पूर्व सैनिकों के लिए जो रिक्तियां हैं उसके लिए आज हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के पदों के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं। इसमें तकरीबन 500 के करीब पूर्व सैनिकों को बुलाया गया था, लेकिन 100 आज यहाँ पे उपस्थित हैं। तो इनके दस्तावेजों को चेक करके बाद में इनका टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट शायद पहले या दूसरे हफ्ता दिसंबर में किया जाएगा। इसमें क्लर्क के लिए तकरीबन 40 पोस्टें हैं और जेओए के लिए तकरीबन 60 और स्टेनोटाइपिस्ट की तकरीबन 20 पोस्टें हैं, जिनके लिए इस बार हम साक्षात्कार कर रहे हैं।